आज के एडिटोरियल लिखा है हरीश खरे जी ने, बेस किस पर है? तो ये जनरली बात कर रहा है यूपीए के बारे में, जो यूपीए मतलब कांग्रेस पार्टी या उनका जो अलायंस है जिसने 2004 से 2014 तक क्या किया, शासन किया हमारे देश पर, उनकी बात कर रहे हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि टाइम टू रिशरेक्ट अ पॉपुलर फ्रंट, मतलब एक लोकप्रिय मोर्चे को पुनर्जीवित करने का समय। ठीक है, तो ये सब बात कर रहे हैं और ये यूपी की क्या स्थिति हो रही है अलग अलग चुनाव में, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये अपनी बात कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। द यूपीए इज़ डेड एंड इट लाई बरीड इन कब्रिस्तान इन बारूच। तो इन्होंने ये कहा किसी एक राजनेता ने कि यूपीए क्या मर चुका है, वो एक कब्रिस्तान में लेटा हुआ है। दिस पिथी, पिथी मतलब होता है सारगर्भित, दिस पिथी ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाय सीनियर कांग्रेस मैन थ्रू ही डेयर नॉट पब्लिकली क्लेम इन ऑथरशिप। तो यहाँ पर ये एक कांग्रेस मैन ने ही ये वाला क्लेम किया था जो उन्होंने पब्लिकली कभी अनाउंस नहीं किया। द रेफरेंस वॉज टू द लास्ट रेस्टिंग प्लेस अहमद पटेल हु वॉज जनरली एक्नोलेज टू बी द इनफॉर्मल कन्वेनर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस दैट रूल इंडिया फ्रॉम मई 2004 टू मई 2014। तो यहाँ पर ये किसने कहा था, अहमद पटेल ने कहा एक प्रेस रिलीज में, या क्लेम नहीं किया लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था। उनको किस तरीके से जाना जाता था, उन्हें यूपीए के कन्वेनर के तौर पर जाना जाता था, इनफॉर्मल कन्वेनर। कन्वेनर मतलब होता है संयोजक। किस यूपीए को, जिस यूपीए ने 2004 से 2014 के बिटवीन शासन किया। सूनर और लेटर द पॉलिटी विल नीड टू एड्रेस द सेंट्रल इशू। तो यहाँ पर चाहे अभी हो मतलब बहुत जल्द हो या बाद में, आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसीज क्या चल रही हैं। इज़ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ट्रूली डेड एंड हैज़ द टाइम कम टू पुट इन प्लेस डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। क्या वाकई यूपीए क्या कम्प्लीटली डेड हो गया है और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं या जो रणनीति है उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। एंड अरेंजमेंट टू टेक रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसको मतलब सीधी सी बात है एनडीए से क्या मुकाबला करने के लिए। तो ये इनका अभी तक का वो है। फिर बात क्या बोलते हैं, यूपीए ब्लंटेड एंड टारगेटेड एज अ टेंडर ऑफ पॉलिटिकल करेंसी। द यूपी इज अ वर्थ एज मच एज प्री डिमोनिटाइजेशन 2000 रुपी नोट। तो यहाँ पर अब ये बोल रहे हैं कि यूपीए की स्थिति वैसी है कि जैसे आपसे कहा जाए कि डिमोनिटाइजेशन से पहले 2000 के नोट की थी, मतलब सिर्फ नाम का नोट था 2000 रुपये का, लेकिन डिमोनिटाइजेशन से पहले 2000 का नोट चलता ही नहीं था। अब इट्स ओनली नेशनल वैल्यू इज टू प्रोवाइड अ फॉल्स सेंस ऑफ एक्सॉल्टेड इम्पोर्टेंस टू मिस्टर सोनिया गांधी वो रिमेन इट्स टिटुलर हेड। तो ये एक झूठा एक दिखावा है कि इस टाइप से कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, और जो सोनिया गांधी है उनकी स्थिति बिल्कुल एक ऐसी है कि जब जबरदस्ती किसी को ऊपर आप बना दो या जबरदस्ती सिर्फ एक चेहरा शीर्षक टाइप का चिपका दो। ठीक है, एज अ वर्किंग पॉलिटिकल अरेंजमेंट द यूपीए इज अ ब्लंटेड एंड यूजलेस इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल सिनेरियो से देखा जाए तो अब यूपीए का पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं, मतलब उसका अस्तित्व नहीं बचा है। येट द यूपीए रिमेन अ कन्वीनियंट शॉर्ट हैंड फॉर अमॉर्फस पॉलिटिकल ग्रुप एंड पार्टीज एरेड इन अपोजिशन टू द एनडीए। तो यहाँ पर जो यूपीए रिमेन एक सुविधाजनक एक वो बन गया है, क्या कहना चाहिए, एनडीए का एक सुविधाजनक अपोजिशन जिसे ज्यादा कोई एनडीए के लिए कुछ करना नहीं पड़ता और टारगेटेड बना देती है एनडीए इवन। और अमॉर्फस का मतलब होता है एक बेढंगा, आकारहीन, जिसका कोई आकार नहीं है, एक ऐसा विपक्ष जिसका कोई आकार नहीं है और जिससे एनडीए को क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। इवन दो द ग्रुपिंग हैज़ नो कॉमन थीम और पर्पस। यहाँ पर जब तक कि मतलब इसका जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग जितने भी मतलब यूपीए के जो ग्रुप हैं उनकी कोई कॉमन थीम नहीं है, कोई कॉमन विचार नहीं है और कॉमन एक एजेंडा भी नहीं है। पास्ट लॉयलिटीज एंड सॉलिडेरिटीज आर नॉट रिमेम्बर्ड अमंग द अर्थ वाइल यूपीए पार्टनर। और जो पिछले जो उनकी जो बिटवीन उनकी ईमानदारी थी और जो एकजुटता थी वो किसी के अंदर बची नहीं है। बट इट रिमेन अ हैंडी ऑब्जेक्ट ऑफ अब्यूज एंड रिडिक्यूल फॉर द प्राइम मिनिस्टर द भारतीय जनता पार्टी एंड डेजिग्नेटेड
अब्यूज़र। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बस गालियाँ देते रहते हैं और उनका कोई कॉमन एजेंडा है नहीं। द यूपीए इज ड्यूब्ड द एनिमी एंड अनहोली कॉन्ग्रेशंस ऑफ द अनप्रिंसिपल्ड लीडर एंड पार्टीज। तो यहाँ पर ना तो उनके अनप्रिंसिपल्ड लीडर हैं, कोई असेंध कोई सिद्धांतवादी लीडर बचे नहीं हैं, और चाहे पार्टी की बात करें तो उसका भी हाल इसी टाइप से है। द बीजेपी गेट्स सम परचेज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस इंसिस्टेंस ऑन प्रीनिंग इट सेल्फ एज अ सेंटर ऑफ द यूपीए एज इट हैपन टू बी अ लार्जेस्ट पार्टी इवन दो इट्स पाल्ट्री किटी ऑफ 50 odd seats इज नॉट एनफ फॉर इट टू डिमांड द लीडर ऑफ द अपोजिशन स्टेटस इन द लोकसभा। तो यहाँ पर जो जो बीजेपी है, बीजेपी खरुद फरुद किस कारण से कर पाती है, क्योंकि जो कांग्रेस का है, कांग्रेस का इतना इंसिस्टेंट प्रीनिंग, मतलब एक जिद करना कि भाई नहीं वो मेन विपक्ष है, जबकि जो 50 जो सीट्स हैं वो भी नहीं ला सकी लोकसभा के अंदर। दिस क्लेम इज इफेक्ट बॉइल डाउन टू एन एक्सपेक्टेशंस ऑन द कांग्रेस पार्ट दैट इज लीडर राहुल गांधी बी अक्नोलेज्ड एज द पोटेंशियल शैडो प्राइम मिनिस्टर द ओनली नेशनल अल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी। और ये चीज़ और ख़राब हो जाती है, मतलब कांग्रेस की स्थिति और ख़राब हो जाती है जब राहुल गांधी को वो एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लोगों के सामने रखते हैं, तो वो चीज़ और ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है वो मतलब कांग्रेस राहुल गांधी से लेकर उतनी अच्छी है नहीं। एंड द रिमेन द रब बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल पार्टनर आर पेनफुली अवेयर दैट द कांग्रेस फीवलनेस एंड इनफर्मेटीज हैव मच टू डू विथ वोल अनरिजॉल्व क्वेश्चन ऑफ राहुल गांधीज लीडरशिप। तो ये एक मतलब सीरीज बात, जब राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाता तो ये वो और कठिनाई वाली चीज़ हो जाती है जो भी पार्टनर हैं और दूसरी पार्टियां उनके लिए। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस की फीबलनेस मतलब दुर्बलता, इन्फॉर्मिटी मतलब निर्बलता जो है वो और बड़ी हो जाती है जितने भी अनरिजॉल्व क्वेश्चन हैं राहुल गांधी की लीडरशिप में उन सब के कारण। दिस पॉसिबल एली कंसीड दैट बीजेपी हैज लॉब्ड इट्स वे टू बिगर एंड विगर लोकसभा टैलीज बाय मोकिंग एंड रिडिक्यूल द राहुल गांधीज प्रिटेंशंस। तो यहाँ पर और बीजेपी क्या करती है, राहुल गांधी को बार बार मतलब मजाक उड़ा उड़ा कर वो लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें क्या कर लेती है, जीत लेती है। नन लेस इट इज पर्टिनेंट टू कीप अ माइंड दैट ऑन इट्स पार्ट द एनडीए एज पर द 2019 रिजल्ट स्टिल डज नॉट कमांड द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलर वोट। इट्स कंबाइंड वोट शेयर वॉज नियरली 45% ऑफ विच द बीजेपी कंट्रीब्यूट वॉज 37.4%। बट नाउ जो मतलब जो वोटिंग हुई थी 45% पूरे के पूरे लोकसभा में, उसमें जो 45% वोटिंग हुई थी कंबाइंड वोटिंग, उसमें से 37% हिस्सा किसका था, मतलब बीजेपी के था। बट नाउ विद द डिपार्चर ऑफ द शिवसेना एंड शिरोमणि अकाली दल द एनडीए फिगर स्टैंड रिड्यूस्ड। तो अब दो एनडीए के दो दल जैसे शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल अलग हो गए हैं, तो एनडीए फिगर स्टैंड रिड्यूस्ड, जो एनडीए का जो फिगर है वो रिड्यूस हो गया है। द मेजोरिटी कैन बी सेट टू रिमेन फर्मली इम्यून टू मोदी चाम। अब मतलब जो मेजोरिटी है वो कह सकते हैं, क्योंकि शिवसेना और ये अकाली दल अलग हो गए हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो मोदी का जादू है उससे क्या कर सकते हैं, ये खुद की रक्षा अब कर सकते हैं यूपीए या जो भी हैं विपक्षी पार्टियाँ। द क्रेडिबल अल्टरनेटिव द टास्क बिफोर क्रेडिबल अल्टरनेटिव विश्वसनीय विकल्प द टास्क बिफोर नॉन बीजेपी फोर्सेज एंड ग्रुप विल रिमेन अबाउट हाउ टू कोहर इन मैनर एज टू प्रेजेंट अ क्रेडिबल अल्टरनेटिव टू मिस्टर मोदी बीजेपी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है विपक्षी पार्टियों के बीच में कि ये एक पॉपुलर अल्टरनेटिव कैसे खोज कर लाते हैं मोदी के सामने। बट बिफोर इट कैन कन्वर्ट इट सेल्फ इन टू इलेक्टोरल एंटिटी इट विल नीड अ ग्राफ्ट टू इट सेल्फ अ कलेक्टिव पोलिटिकल परसोना। तो यहाँ पर पहले उससे पहले कि जब ये पूरी की पूरी राजनीतिक जीत में तब्दील हो विपक्ष की या उस जो भी पर्सन की, पहले उसकी राजनीतिक सहमति पूरी की पूरी पार्टियों के अंदर बननी चाहिए। इट शुड बी टेकन एज अ एक्सियोमेटिक दैट दीज लास्ट 7 ईयर ऑफ द मोदी राज हैव इनएविटेबली प्रोड्यूस्ड आर न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ
Satisfaction and anger, a new matrix of anxiety and resentment, and new calculus of the fear and triumphalism. तो यहाँ पर पिछले जो 7 सालों में एक्सियोमेटिक मतलब स्वयं सिद्ध है, ये सिद्ध हो चुका है या पहले से स्वयंभू है कि पिछले जो 7 साल हैं, 7 साल में पूरी की पूरी जो राजनीतिक रूप से प्रोड्यूस किया है इस गवर्नमेंट ने, वो एक एंजाइटी, तनाव, रिसेंटमेंट, गुस्सा और जो भी अनफियरनेस और उन सभी को इन्होंने क्या किया है, जीत में तब्दील किया है फियर ईयर को यूज़ करके. द पॉलिटिकल चैलेंज इज हाउ टू मोबिलाइज द इमर्जिंग एस्पिरेशन एंड अन एड्रेस डिसकंटेंट. तो यहाँ पर अब राजनीतिक चैलेंज ये होगा कि जो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको आप अपने पक्ष में कैसे कर पाएँ, और साथ ही साथ लोगों की जो असहमतियाँ हैं उनको आप कैसे पहचान पाएँ. हाउ टू प्रोवाइड होप एंड एनकरेजमेंट टू दोज हु हैव बीन मेड टू फील हेल्पलेस, पावरलेस, इवन डिसफ्रेंचाइजीज डिसेंट. तो यहाँ पर उनके लिए अब उनकी आवाज़ कैसे आप बन पाएँ, उनके लिए कैसे आप आशा दिला पाएँ, किसकी जो हेल्पलेस हैं, जो पावरलेस हैं या जो ऐसा फील कर रहे हैं, इवन डिफ्रेंचाइज्ड, इवन मतलब वो ऐसे फील कर रहे हैं कि भाई वो अलग थलग पड़ गए. दिस फ्रस्ट्रेशन मैनिफेस्ट देम सेल्फ इन मिलियन म्यूटिनीज बिग एंड स्मॉल ऑल ओवर इंडियाज. तो म्यूटिनीज का मतलब क्या होता है, विद्रोह. तो ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं वो मैनिफेस्ट करेगा, बढ़ावा देगा इस प्रकार के विद्रोहों को. मीनिंगफुल टर्म सच एज स्ट्रगल, रेजिस्टेंस एंड मूवमेंट. स्ट्रगल मतलब होता है ना कि विद्रोह, हमने आज़ादी के लिए विद्रोह किया टाइप में. रेजिस्टेंस एंड मूवमेंट मे हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडियाज लेक्सिकन, बट दीज कंटिन्यू टू हैव मीनिंग एंड रेलिवेंस एज अनजस्टनेस एंड इनइक्विटी कंटिन्यू टू डिफाइन आवर सोसाइटी. तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये सब जो विद्रोह है या ये सब है वो मीडिया से हो सकता है अलग रह सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, एक असहमति बना रहे होंगे लोगों के बीच में. द कांग्रेस कैन नॉट बी एन ऑनेस्ट पार्टनर इन दिस वेंचर. और यहाँ पर ऑनेस्ट पार्टनर नहीं हो सकती इस वेंचर के अंदर, जो भी वेंचर ये बनेगा. बोथ द कांग्रेस एंड बीजेपी आर पार्टीज ऑफ स्टेटस क्यू एंड बोथ आर अनसिम्पैथेटिक टू मासेस अर्निंग फॉर जेंटलर इंडिया. तो यहाँ पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों की स्थिति एक समान है. दोनों ही मतलब जो मासेस हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जनता के प्रति असंवेदनशील या बेडोल टाइप के उनकी भी विचार हैं, और दोनों ही किस चीज़ को कहते हैं कि भाई एक विनम्र इंडिया की हम बात करेंगे. एक्सेप्ट फॉर प्रोफार्मा डिफरेंट टेक ऑन हिंदू मुस्लिम डिवाइड द कांग्रेस एंड बीजेपी रिप्रेजेंट द सेम कॉइन. तो यहाँ पर अकेले जो प्रोफार्मा जो है मतलब हिंदू मुस्लिम डिवाइड का, बाकी जो बीजेपी और जो कांग्रेस है दोनों ही एक ही कॉइन के दो पहलू हैं. प्लेटफॉर्म नॉट कांग्रेस सेंट्रिक, द कांग्रेस सेंट्रिक. अब यहाँ पर जो विकल्प है वो कांग्रेस सेंट्रिक नहीं होना चाहिए इनका मतलब, ये मतलब कहना है कांग्रेस सेंट्रिक अल्टरनेटिव टू बीजेपी नो लॉन्गर वर्क. तो जो भी कांग्रेस सेंट्रिक अल्टरनेटिव होगा बीजेपी के अगेंस्ट वो ज़्यादा काम नहीं करेगा. अ न्यू नेशनल फ्रंट इज नीडेड, एक नए फ्रंट की ज़रूरत है. एन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म अंडर विच वेरी मैनी फोर्सेज एंड इंडिविजुअल मे गेट इंसेंटिवाइज टू टेक शेल्टर. तो यहाँ पर इनका कहना है कि छोटी छोटी पार्टियाँ आके एक अम्ब्रेला टाइप का वो बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और जो छोटी छोटी पार्टियाँ हों उनको इंसेंटिवाइज किया जाए. द इंडियन पॉलिटिकल क्लास इज रिमार्केबली एक्सपेडियंट. अ न्यू कंसोर्टियम, न्यू कंसोर्टियम मतलब नए संघ जो भी बने, शुड एनेबल नवीन पटनायक टू फॉर्मली डिवीन अवे फ्रॉम द बीजेपी. नवीन पटनायक को उनका वो बनाया जाना चाहिए और एक बिल्कुल एक फॉर्म मतलब एक घोषित तौर पर बीजेपी से उनको अलग कर दिया जाना चाहिए, या फिर नीतीश कुमार को कर सकते हो, और ऑल्सो द अकोमोडेट एंड टेम एंड असदुद्दीन ओवैसी. तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का भी साथ ले सकते हो. जैसे एज देयर आर नो परमानेंट एनिमी, जैसा कि आप जानते हो नो परमानेंट एनिमी, देयर कैन बी नो परमानेंट डिसेंटमेंट. तो कोई मतलब जैसे परमानेंट एनिमी नहीं होता वैसे ही कोई परमानेंट वो भी नहीं होता. डिसेंटमेंट का मतलब होता है मोहभंग होना. महाराष्ट्र हैज शोन द एक्सटेंट टू विच पार्टनर एंड एलिस कैन बी. और ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल गया कैसे शिवसेना
बीजेपी के अगेंस्ट, ये या बीजेपी के इतने दिन साथ रही और फिर कैसे अलग हो गई? अ न्यू नेशनल फ्रंट विल हैव टू अनदर इट्स सेल्फ इन अ कॉमन पॉलिटिकल पर्पस एंड शेयर्ड सेंस ऑफ नेशनल डेस्टिनी। तो यहाँ पर जो नए पॉलिटिकल वो बनेगा उसकी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा या एक कॉमन मिनिमम एजेंडा होगा जिसके थ्रू वो काम कर रहे होंगे। मिनिमम अंडरस्टैंडिंग कैन बी फोर्स्ड अराउंड फोर इम्पेरेटिव। तो यहाँ पर जो मिनिमम अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए वो ये चार प्रमुख मुद्दों पर आप बना सकते हो। पहला मुद्दा ये है कि रीस्टोरिंग द बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। द सेंटर हैज़ मेड मॉकरी ऑफ द फेडरल स्पिरिट एंड अरेंजमेंट। तो पहला तो मुद्दा यही हो सकता है कि सेंटर और स्टेट के बिटवीन अच्छा सहसंबंध बनाएंगे, क्योंकि जो सेंटर जो है उसने जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका मजाक बना दिया है। रीस्टोरिंग अ सेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टिसिपेशन टू माइनॉरिटी। इट इज़ एंटायरली अनहेल्दी दैट रूलिंग पार्टी ऑफ 303 MPs कैन नॉट बोस्ट अ सिंगल मुस्लिम मेम्बर। तो यहाँ पर ये मतलब प्रॉपर दो माइनॉरिटी और इन सब का मेलजोल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 303 जो मेजोरिटी वोट हैं उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। रीस्टोरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन टू देयर ओरिजिनल वाइटैलिटी एज मच नीडेड चेक और आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट पावर। तो यहाँ पर रीस्टोर करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को और उनकी जो ओरिजिनल महत्वपूर्णता है एज मच एज नीडेड, जब भी इस ज़रूरत पड़ेगी पंचायत मतलब किसी भी चीज़ की मध्यस्थता या किसी भी को निर्णय लेने के लिए उस समय। रीस्टोरिंग द सीम बैलेंस टू सेंसिटिविटी एंड सिविलिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल लाइफ। और हम अपनी पॉलिटिकल जो राजनीतिक जीवन है उनमें संवेदनशीलता और जो सिविलिटी इन सब चीज़ों को भी बढ़ाएंगे। देर इज टू मच वॉयलेंस एंड अगलीनेस अगेंस्ट सिटीजन। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि यहाँ पर बहुत वॉयलेंस है और अगलीनेस है सिटीजन्स के अगेंस्ट। एज अ सीरियस एंडेवर एक सीरियस प्रयास के तौर पर ऑल दिस इज प्रेडिक्टेड ऑन अ प्रमाइसिस दैट नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी प्लेटफॉर्म विल नॉट जस्ट बी फीस्ट ऑफ वल्चर बट सीरियस एंडेवर इन नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल सीरियसनेस। और ये सब जो प्रिडिक्टेड हुए प्रमाइसिस कि नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी प्लेटफॉर्म जो है वो काम नहीं कर पाएगा, वो मतलब उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा मतलब तो वो मतलब जो तीसरा जो प्रमुख मुद्दा है वो ये बनेगा या जो तीसरा संघ बनेगा बीजेपी के अगेंस्ट वो ना केवल एक सिर्फ किसी बद्धक के का खाना बनकर नहीं रह जाएगा बल्कि एक उसके सीरियस प्रयास होंगे राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों को लेकर और जो मॉरल सीरियसनेस है वो भी होगी। एंड सच अ कांग्रेसन शुड बी एबल टू होल्ड आउट अश्योरेंस दैट दीज लीडर आर कॉग्निजेंट ऑफ फॉल्ट लाइन गोनिंग द पॉलिटी। तो यहाँ पर जो लीडर होंगे या जो चुन के आएंगे वो कॉग्निजेंट मतलब जानकार होंगे जितनी फॉल्ट लाइन है उनके और उन फॉल्ट लाइन उन पॉलिसी को अलग करेंगे। दैट विल मतलब पॉलिसी को जो खराब कर रही है उन सब फॉल्ट लाइन के वो जानकार होंगे। दे विल नीड टू प्रोजेक्ट अ कॉन्फिडेंस दैट नॉट ओनली डू दे हैव अ गुड आइडिया हाउ दीज ब्रीचेस कैन बी प्लग्ड बट दे ऑल्सो हैव वॉट इट वुड टेक टू एंश्योर द न्यू फॉल्ट लाइन डू नॉट एंश्योर द एंसनर दैट पॉलिसी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि उन सब फॉल्ट लाइन को अलग करेंगे और वो जो पॉलिसी लाएंगे उसमें फुसलाने वाली बात या ऐसी कुछ नहीं रहेगी कि किसी को फुसलाने या बहलाने वाली बात होगी। दैट इट कैन डिलीवर गवर्नेबिलिटी एंड कोहेरेंस यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। और वो डिलीवर करेगी एक अच्छा शासन यूनिटी को स्टेबिलिटी को and that it would not push India into uncertainty and anarchy। और वो इंडिया को अनिश्चितता और अराजकता में नहीं ढकेलेगी। Too much strong leadership has robbed India of its democratic exuberance and constitutional dynamism। Too much of a strong leadership वो क्या करेगी, इंडिया की जो democratic exuberance है उसको फलीभूत करेगी, constitutional dynamism है dynamics मतलब उसको भी वो फुलफिल करेगी। कम टू थिंक ऑफ इट देर इज नथिंग इनएविटेबल अबाउट एक्स्ट्रावेजेंटली फ्लैम्बॉयंट विराट कोहली।
तो यहाँ पर जो भी इनका कहना है कि जो भी नेता हो, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम असाधारण चमकदार नेता हो, जैसे विराट कोहली है। क्वाइट इफेक्टिव अजिंक्य रहाणे कैन ऑल्सो डिलीवर। तो यहाँ पर एक प्रभावी अजिंक्य रहाणे भी आप क्या कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो और उसको आप अपना लीडर बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक विराट कोहली टाइप का ही लीडर लेके आओ। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है बीजेपी के अगेंस्ट, कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। तो ये इनका पूरा कहना था, समझाना था। सो थैंक यू फॉर टुडे।